सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं मैं आप सब लोगों के साथ एंड दैट इज रिलेटिंग टू सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल स्पेशली सेट बी विच इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो कब हो सकते हैं एग्जाम्स क्या पैटर्न होगा आप सर उसके लिए हम लोग की कैसे तैयारी करवाने वाले हो सो ऑन एंड सो फोर सो इट विल बी अप्रोक्सिमेटली टेन मिनट वीडियो प्लीज एंड तक देखना सो दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम द बिगनिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या पैटर्न होने वाला है थोड़ा थोड़ा अभी तक तो आप लोगों को सब लोग आइडिया हो गई एक शॉर्ट में डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल गेट इन टू दीटी क्रिटीज इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉडल पेपर्स निकाले वो भी मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा आईसीआई का एक्सपेक्टेशन क्या होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लूंगा ओ, वैसे ये है हमारा नवंबर ट्वेंटी थ्री का रिजल्ट फॉर एस सी एम पी मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट एज यू कैन सी गॉट रैंक फ्रॉम एज इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया रैंक वन उसके बाद इंस्टीट्यूट ने अब उसको शिफ्ट कर दिया है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल पे जहां पे कितना भी अच्छा स्कोर कर लोगे आप अब रैंक उसमें इंक्लूड नहीं हो सकती इसके लिए हमारा ए एफ एम है जहां से आप रैंक ला सकते हो एनी कमिंग बैक टू द बेसिक्स सो अब वॉट एग्जैक्टली इज आईसीआई प्लानिंग टू डू इन दिस सब्जेक्ट फर्स्ट थिंग हंड्रेड परसेंट सो दैट काइंड ऑफ गिव्स यूर रिलीफ रखना है, that you cannot leave anything in option, है पूरा अपने को बराबर से करना है देर आर गोइंग टू बी ट्वेल्व केस स्टडीज अप्रोक्सीमेटली इन द होल पेपर कुछ uh, कोई केस स्टडी में

होल प्रोसेस इट इज गोइंग टू बी थ्री आर एग्जाम डेली एग्जाम आप दे सकते हो तो जब आपका मन करे तब आप डेट ले लो तो इंटरनेशनल हैं। इंटरनेशनल में भी uh, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आप, आपके हिसाब से आपको जब देना है आपके प्रिपरेशन के हिसाब से यू कैन गिव विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल भी डिफरेंट तो मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी कर पाओगे आप यहाँ पे इन द सेंस कि भाई चलो एक बंदे ने एग्जाम दे दिया और वही सेम टू सेम चीज सबको बोल रहा है दैट मे नॉट बी पॉसिबल तो कैसा होगा कि इनके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक आएगा और उससे simulation होगा से दे विल यू नो द क्वेश्चन जो भी ऊपर uh, वाले को आप प्रे करते हो बात अच्छी तरह से प्रे करके जाना कि आपको जो सिंपल वाला क्वेश्चन बैंक है वो मिले एनीवेज आई थिंक वी शुड मोर फोकस ऑन आर प्रिपरेशन देन लक सो ये एक बेसिक चीज है दैट यू शुड नो फॉर सेट बी एस सी एम पी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एंड ये इन जनरल एक पैटर्न है फॉर सेट 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 ए बी बी सी डी में आप जो भी पढ़ने वाले हैं प्लीज बराबर से पढ़ना बिकॉज उसका कनेक्शन है विद इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन एज वेल सो वहां पे जो पेपर सिक्स है उसमें भी अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी परसेंट का एक अगर एक्सपेक्टेशन रखे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सो दैट ऑल्सो शुड बी डन थरली सो ये सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में डिवाइडेड है फिफ्टी परसेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डिवाइडेड है फिफ्टी परसेंट मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू एस पर सो दैट इज हाउ द होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड सो अगर अपन आईसीएआई का मॉड्यूल ओपन करते हैं देन इन दैट केस आप ऑब्जर्व करेंगे दैट दिस फ्यू चैप्टर्स तो यह देखेंगे आप लोग चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन

केस स्टडी बेस्ड चैप्टर है जिसमें सब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेरियस के केस स्टडी होंगे एंड दिस एज अ अ सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो सर हाउ आर वी सपोज टू स्टडी सो फॉर दैट आई एम लॉन्चिंग टू बैचेस स्पेसिफिकली एमसीक्यू ओरिएंटेड बैचेस बिकॉज अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एमसीक्यू के ऊपर बेस होने वाला है तो फ्रेश रिकॉर्डिंग हंड्रेड परसेंट टोटली डेडिकेटेड टू यू पहले मैं सोच रहा था अराउंडीस का काफी देते तो, 20, ले लेंगे, आप भी मैं भी बट वी विल कवर इट इन सच अ वेट एवरीथिंग इज डन एंड वी आर सुपर कॉन्फिडेंट दैट यूर एक बार एग्जाम देंगे एंड थरली उसको क्लियर कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सम्स करवाने का जिम्मेदारी मेरा आपको बस ये हंड्रेड आर्स प्रॉपरली अटेंड करना है प्रोबेबलीव एंड एग्जामी यू विल बी क्लियरिंग इट सो देर विल बी टू बैचेस एक होगा हिंदी बैच एंड एक मेरे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए फुल इंग्लिश बैच 100 hours in all 100 hours में टोटल मैं कवरेज करवा दूंगा बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड है सो थिंग्स कैन गो क्विकर एंड एट द सेम टाइम कवरेज हर एक चीज का हो जाएगा बिकॉज थियोरी भी, भी है जैसा अभी इन द क्लास इट सेल्फ मैजिक बुक मिलने वाला है आप लोगों को एंड एमसीक्यू सो यहाँ पे अगर मैं बोलू तो ये जो मैजिक बुक है इसमें एमसी क्यू रहेगा वी विल नेम दिस एज द ऑप्टिमाइज बुक जो ये मेरा थ्योरी बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा थियोरी रहेगा क्यों मैं ये अलग कर रहा हूं बिकॉज आप लोगों को ड्यूरिंग द पेपर सिक्स हो सकता है कि खाली थियरी बुक ले जाओ आप तो वो आप ऑप्टिमाइज बुक ले जा सकते हो एंड देन एमसीक्यू का जो बुक रहेगा ये अपन इसको नाम देंगे मैजिक बुक तो ये मेरा एमसी का मैजिक बुक रहेगा विच विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज इंक्लूडिंग आईसीएस एप में जो है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट

बोर्ड ऑफ स्टडीज में किसी से बात हुई है एट अ हाई लेवल सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट कुछ लोगों को लग रहा था सर नवंबर के लिए भी होंगे कि नहीं सो इंस्टीट्यूट इज वेरी मच क्लियर दैट यस दे विल बी हैविंग द एग्जाम्स एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इतने सारे सेंटर्स है कोऑर्डिनेशन है एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है ऐसा लग रहा है उनको लगता है सो दे में स्टार्ट देंटेटिवली फ्रॉम फिफ्टींथ जून मेरे हिसाब से इट कैन बी अर्यर इट कैन बी लेटर ओनली आईसीए सो यह खाली एक मेरा टेंटेटिव एस्टिमेशन uh, है सो बी प्रिपेयर बाय दिस टाइम एटलीस्ट

एंड ये मेरा एम का बुक है अगेन कवरिंग एवरीथिंग दैट आईसीएस कवर्ड प्लस मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो भी मैं इसमें इंकॉर्पोरेट करते जाऊंगा ऑन रेगुलर बेसिस सो दैट अभी ये आप लोगों को तो अपडेटेड बुक ही मिल जाएगी सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस एट ऑल ठीक है सो ये है अब मॉडल टेस्ट पेपर को देखो अब अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर को ध्यान से देखते हो ना देन इन दैट केस दे आर ऑल बेस्ड ऑन केस अब अगर आप लोग को ये question को ये क्वेश्चन करना है तो प्रैक्टिकली आपको टारगेट कॉस्टिंग और वो सब concept आने चाहिए सॉल्व करना ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन है इसमें से और एग्जाम्पल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है तो मेरे को ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने आना चाहिए तो मैं सॉल्व करूंगा और फिर उसका जो एमसीक्यू रिलेटेड ए बी सी डी है दैट आई विल चूज समझ में आया सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम इज गोइंग टू बी कुछ इंडिपेंडेंट एमसी क्यूज भी हो सकते हैं बट मेजरली दे विल बी रिलेटेड के स्टडी टू अगेन इसमें अगर आपको प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड या जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं आता यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट सो दैट्स वेयर बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अपन कॉन्सेप्ट क्लियर रखे सो लेट एनी चैप्टर कम लेट एनीथिंग कम इफ यू आर थ्रेली क्लियर इन दिस हंड्रेड आवर्स प्रॉब्लम नहीं होगा

लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट वेब्यूकेट इन तो वहां से भी आप ले सकते हो नियर बाय फ्रेंचाइजी कोई है डिस्काउंट इज गंग टू बी फॉरियड सो ट्राई एंड अवेल ऑफ दून एज पॉसिबल सो ये हमारा वेबसाइट सो वेबूके डॉट इन पे जाओगे तो सी ए फाइनल सेट बी एस पीओ एम यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट फिलिंग द इन्फॉर्मेश्ड कॉपी गूगल ड्राइव हिंदी इंग्लिश और इफ यू वॉन्ट अ फुल इंग्लिश बैच अ फुल इंग्लिश बच इज ऑल्सो अवेलेबल

पहली बार ऐसा एमसीक्यू का एग्जाम देने जाओगे कंप्यूटर के सामने तो थोड़ा धक धक् है आपको आइडिया नहीं होगा स्पीड का आइडिया नहीं आएगा तो वो सब चीजें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वॉट आई विल बी डूइंग इज यस आई विल ऑल्सो गिव यू एम सी क्यू जहां पे मैं आप लोग को यहाँ पे यह देखो एमसीक्यूज दिख रहे हैं आप लोग को एग्जाम देना है ये मैंने का खोला है ऐसे एसपी एम का एस सी एम का आप लोग के लिए बना लूंगा अब समझो आपको ये आंसर आता है तो आपको इस पर क्लिक करना है सो यू विल गेट यूज ये हमारी वेबसाइट से आप लोग एग्जाम्स दे पाओगे एंड दैट्स द बिगेस्ट वैल्यू एडिशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एनी क्वेश्चन दैट यू लाइक मार्क्स आर गिवेन नेगेटिव बिकॉज अभी जीरो है अभी तक इंस्टीट्यूट ने नेगेटिव मार्किंग नहीं निकाला है तो नहीं है वन मार्क फॉर दिस वट एवर यू वॉन्ट से आपको क्लियर करना है आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना हैजमेंट ठीक है so टाइम यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाया है सो यू शुड नो द टाइम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोगों को एक हैंड्स आउट एक्सपीरियंस आ जाएगा फिनिश क्विज करना है उसके पहले वो आपको पूछ ले सर इतने क्वेश्चन बाकी है डू यू वॉन्ट टू फिनिश नो एज को हम देंगे एक रिजल्ट जो आप लोगों को पता चलेगा जिससे कि कितना राइट right आया है कितना रॉन्ग है कितना स्किप किया है और आपने कितने ड्यूरेशन में ये किया है Got it everybody? फिर आप आंसर्स चेक करना जाओगे तो यू कैन क्लिक ऑन चेक आंसर्स व्यू रिजल्ट एंड देन आप लोगों को मिल जाएगा एक पीडीएफ हमारी तरफ से जहां पे आपके पास सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे तो से फॉर एग्जांपल मैंने ये सेकंड क्वेश्चन को आंसर दिया था उसका आंसर है करेक्ट आंसर है कूपन रेट पर मैंने सिलेक्ट किया था फेस वैल्यू तो वो बताएगा कि भाई आपने फेस वैल्यू सिलेक्ट किया था इट इज अ रॉन्ग आंसर द राइट आंसर इज कूपन रेट So, आपको यहां पे मार्क नहीं दिया जाएगा इन द सेम वे थर्ड वाले का था वैसे ही फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर बट मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया सो ऑल ऑफ दिस विल बी गिवन टू यू जहां जहां पे पॉसिबल है एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ने दे दिया है सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आप लोगों को ये हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी एंड uh, यहां पे देखो हमने खाली दो ही आंसर दिया तो वो बोल रहे हैं कि भाई फेल हो गया बट नेक्स्ट टाइम डोंट वरी सेट बैक इज जस्ट अ स्टेप फॉर कम बैक सो so मोटिवेशन भी हम आपको साथ में दे देंगे ओके okay, सो so काफी मेहनत चालू है बैक एंड पे ये सब चीजों के लिए डू अप्रिशिएट एंड कमेंट हाउ डिड यू लाइक दिस बुक का डेमो मैं आप लोगों को दे चुका हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी द एमसीक्यू बुक दिस इज गोइंग टू बी द मेन बुक यस गाइस डन एप्लीकेबल फॉर सी इंटर क्लियर स्टूडेंट्स तो जिसका भी सीए इंटर क्लियर हो गया है बट मे ट्वेंटी फोर जब भी आपका एग्जाम है you are eligible for this batch go for it give your exams and get settled how is it different from scmp to kuch students hai jinhone scmp padha hai but they couldn't uh, clear yeah clear ho gaye the but ab unko wapas se dena padega so i can just tell you that 30% कुछ चीजें addition हुई है अगर आपने एस पढ़ा है तो 30% आपको additional नहीं नया पढ़ना पड़ेगा 30-35% तो आप वो एडिशनल वाला पार्ट आपको चाहिए तो लेट मी नो आई विल प्रोवाइड यू दैट एंड अगर आपको पूरा बैच लेना है देन इन दैट केस आवर्स इज यू यू विल विल हैव टू इन्वेस्ट एंड गेट इट बाकी और कोई भी क्वेरी हो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर डू लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प बैचेज आर अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेजेस फुल इंग्लिश एंड इन द इंग्लिश एंड फर्स्ट में से आप लोग को गूगल ड्राइव पे मिलना चालू हो जाएंगे विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज आई नो कि आप लोग भी इसको कंप्लीट करके एग्जाम देके ट टू एंश्योर दैट आपका मेन फोकस जो मेन एग्जाम है उसके ऊपर रहे चलो भाई सो दबाउट इट वेबसाइट का लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट्स में दे दूंगा यू कैन कॉल अज ऑर आर टीम सो अगर आप लोगों कुछ और पॉइंट्स कंफ्यूजन uh, है कुछ डिस्कस करना है यू कैन कमेंट और इफ नॉट दिस इज आर कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन गेट इन टच विद अज ये

चलो सो स्टे सब्सक्राइब स्टे हैप्पी मिलते हैं कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच